गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिठाई ब्लॉग्स में। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि गांव के घर किस तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं मंदिर से शुरुआत करती हूं। यह मंदिर है शिव जी का और ये मेरी माँ ने बनाया है। मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो BSF में शहीद हुए थे और उनकी याद में माँ ने यह मंदिर बनवाया था। अभी मम्मी भी नहीं रहे, लेकिन जब तक मम्मी थे तब तक भारत सरकार द्वारा हर साल 21 अक्टूबर को BSF की तरफ से कुछ आदमी आते थे और भाई ने जिस स्कूल में पढ़ा है वहाँ पर माँ को सम्मानित किया जाता था। अब चलती हूँ मैं आपको घर की तरफ लेकर के। और ये आगे को रोड गई है, ये ऋषिकेश जा रही है रोड, और यहाँ से हम लोग का रोड में ही गेट लगता है। हम लोग का जो गांव है वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और चारों तरफ पहाड़ी होने की वजह से यहाँ पर 12 महीने ही ठंडा रहता है। और यहाँ पर देखिए मौसमी के पेड़, संतरे के पेड़, अखरोट, अनार, ठंडे मौसम वाले फल यहाँ पर सारे होते हैं। हम लोग का ये गांव का घर न तो ज़्यादा पुराना है और न ज़्यादा नया है, न तो ये मिट्टी का है न इस पर टाइल लगे हुए हैं, फिर भी लगभग 30 साल पुराना घर है ये। अब चलते हैं इसकी कमरों की तरफ। और फर्स्ट में यहाँ पर किचन है और ये रही हमारी छोटी सी किचन। अभी तो गांव में भी गैस में ही खाना बनाया जाता है, जब तक हम लोग छोटे थे चूल्हे में खाना बनता था। और यहाँ पर किचन से ही दूसरा दरवाज़ा है रूम के लिए। यहाँ पर रहा हमारा ये एक कमरा और आप बेडों के ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर कितने मोटे मोटे ब्लैंकेट खोले हुए हैं। यहाँ पर हर टाइम सर्दी ही रहती है, अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, हर जगह में इतनी गर्मी है लेकिन गांव में अभी भी बहुत ठंड है। शहरों में हम लोग नवंबर दिसंबर के बाद इतना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ना शुरू करते हैं। और नीचे में ये दिखाई दे रही है हम लोग के खेत हैं, साइड पे गौशाला है। गौशाला हमेशा घर से थोड़ी दूर ही होती थी,
और यहाँ पर आपको जो नीचे में ये दिख रहा है, ये सामने पे है अखरोट का पेड़। और ये हम लोग का नीचे वाला सेट, अभी घर में कोई भी नहीं रहता है इसलिए ये वाला सेट रेंट पे दिया हुआ है किराए पे। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें। फ्रेंड्स, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।